और कहा कि सदन के भी कुछ लोग शामिल थे, तिरंगे पट जो साजिश हो रही थी और जो धमकी दी जा रही थी मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को, तो ये पूरा मामला आपकी जानकारी में जो है वो क्या है जो आपने सदन के पास रखा है? देखिए 2016 और 2018 के बीच में 58 मराठा समाज के मोर्चे निकले थे जिसमें मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में महाविकास आघाड़ी सरकार जब थी उसे टिका नहीं पाई थी। उसके बाद महायुति सरकार आने के बाद में फिर से एक बार मराठा समाज को 10% का आरक्षण जो दिया गया है, आरक्षण देने के बाद भी महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब जिस प्रकार से करने की कोशिश ये पिछले 3-4-5 दिनों में की गई, जिस प्रकार से समाज दो समाजों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की गई, जिस प्रकार के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स मनोज जरांगे ने किए, उसके पीछे जो इनविजिबल हैंड्स कौन है, वो राजनीतिक कौन लोग है जो मनोज जरांगे के पीछे से राजनीति कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता के सामने आना चाहिए। और इसके लिए SIT की मांग हमने की और जब ही SIT का रिपोर्ट आएगा तब उसमें से ये प्रूव होगा कि इस महाराष्ट्र के विधानसभा के दो विधायक ये इस साजिश के पीछे थे, मनोज जरांगे की साजिश के पीछे थे। और हमने ये मांग की है कि SIT के द्वारा उनके नाम आने के बाद उनकी अरेस्ट होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR लॉज होना चाहिए। कौन है वो MLA आपकी जानकारी के मुताबिक? ऐसा है कि मनोज जरांगे किसकी तुतारी बजा रहा था ये सबको पता है, और SIT में जब भी वो नाम आएंगे तभी वो नाम महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे। तो आपकी तरफ से मुद्दा उठाया गया उसमें कुछ और लोगों ने भी अपनी बातें रही, राम साथ थे, आशीष शेलार जी थे, उनकी बातों में आपकी बातों में जो चीजें थी निकल के साफ आ रही थी कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का उसके खिलाफ भी कुछ साजिश की जा रही, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आपका चेहरा है पूरे प्रदेश में। देखिए ऐसा है कि आने वाले चुनाव में अपना कुछ होने वाला नहीं है ये जब भी उन्हें पता है, और इसीलिए एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में और वैफल्यग्रस्त जिसे कहते हैं वो होने के बाद इस प्रकार की घिनौनी राजनीति और कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कुछ लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के सामने इनकी दाल जो है वो गलने वाली नहीं है। और इसी से आने वाले समय में आने वाले चुनाव में जो पूरे महाराष्ट्र ने निर्णय ऑलरेडी कर लिया है कि मोदी जी के साथ जाना है, उस निर्णय से वैफल्यग्रस्त होकर इस प्रकार की घिनौनी राजनीति करने की कोशिश वो कर रहे हैं। सी बिटवीन 2016 एंड 2018 देर वर 58 मराठा मोर्चाज विच हैड डिमांडेड रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी हैड गिवन रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी विच वॉज अपेल्ड बाय द हाईकोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली द महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू गेट द रिजर्वेशन कंटिन्यूड इन द सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर द महायुति गवर्नमेंट हैज कम टू पावर इन लास्ट वीक इटसेल्फ इन अ स्पेशल सेशन देर वॉज अ रिजर्वेशन विच वॉज गिवन टू द मराठा कम्युनिटी। इन स्पाइट ऑफ गिविंग रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी देर वर सम पीपल हु वर ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, देर वर कॉन्स्पिरसीज विच वर बींग हैच्ड टू डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड एवरीबडी नोज हुज ट्रम्पेट वॉज मनोज जरांगे ब्लोइंग, द काइंड ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज दैट ही हैज यूज, द काइंड ऑफ बिलो द बेल्ट कॉमेंट्स ही हैज यूज इज अगेंस्ट द कल्चर एंड द ट्रेडिशन एंड द हेरिटेज ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सच अ पर्सन कैन नेवर बी अ लीडर ऑफ द मराठा कम्युनिटी। मराठा कम्युनिटी डज नॉट वॉन्ट रिजर्वेशन इन OBCs। मराठा कम्युनिटी ऑलवेज वॉन्टेड अ सेपरेट 10% रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन एज वेल एज जॉब विच दे हैव गॉट, एंड नाउ इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द रिजर्वेशन आई एम ऑल्सो फ्रॉम द मराठा कम्युनिटी। I don't want reservation in OBC. I do not want to disturb the OBC reservation. I wanted a separate reservation for the Maratha community, which we have got. And now, in spite of giving the reservation, somebody is trying to disturb the law and order situation. There are two members of Legislative Assembly of Maharashtra who are responsible, who are the invisible hands behind these conspiracies which were being hatched. And those names will come out in the investigation of the SIT. Can you name them if you know? राजेश टोपे एंड रोहित पवार आर द टू MLAs बिलोंगिंग टू द NCP शरद पवार पार्टी हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड हु आर इन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मनोज जरांगे।